ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है, और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वजाइना में, उसमें दो से तीन लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें चाहिए कि पुलिस और अथॉरिटीज पहले तो ट्रैक करें जिन्होंने भी ये दुष्कर्म किया है, उसके बाद एवरीवन शुड बी हैंग्ड, क्योंकि इस तरह का डेथ कोई डिजर्व नहीं करता है। डॉक्टर और नॉन डॉक्टर से मतलब नहीं है, दिस इज़ वेरी सैड एक्चुअली। और तीसरी बात कि अभी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे सबको इमिडिएटली रिज़ाइन करना चाहिए, बिकॉज उनके अंडर में ये चीज़ हुआ जो नहीं होना चाहिए, और ऊपर से वो उसे कवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो विक्टिम को ये बोल रहे हैं कि विक्टिम एक साइकेट्रिक पेशेंट थी, अगर वो थी तो वो ड्यूटी कैसे कर रही थी, और अगर वो ड्यूटी करने के लिए फिट थी तो फिर उनको ये चीज़ अभी एजेंडा सामने नहीं लाना चाहिए। अगर उनको कोई पर्सनल या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था, जो हम में से किसी को भी हो सकता है। चौथी बात ये है कि इसके प्रीवियसली भी कुछ कुछ इंसिडेंट हुए हैं जिनको इग्नोर किया गया है, जैसे हमने ये सुना है कि किसी इंटर्न ने उनके गाड़ी को फोड़ा था, तो उन्होंने डेफिनेटली इसका कंप्लेन भी किया होगा, जिसके लिए भी अथॉरिटी ने कुछ नहीं की। तो ये सारी बातें हैं, हमें बस जस्टिस चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है, अगर डॉक्टर्स सेफ नहीं है तो नर्सेस भी सेफ नहीं है, तो पेशेंट भी सेफ नहीं है, तो कोई भी सेफ नहीं है जब तक हमारे डिमांड्स पूरे ना हो जाएं। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, उसमें कोई कमी